बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक के क्वेश्चन अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी वाली तो लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ऐसे क्वेश्चन आपको समझाए। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो स्टेप जो मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया इससे पिछले वाले लेक्चर में, तो आप लाजमी देख लीजिएगा। चले भाई, तो यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा तो ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाने की पहली शर्त ये होती है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास रूट में लिखा हुआ या जो भी है नीचे, यहाँ जो फैक्टर हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी जगह पे होने चाहिए स्क्वायर टर्म्स। तो हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको स्क्वायर टर्म बनाएंगे, पहली शर्त है। तो यहां पे पहले स्क्वायर टर्म बनाने के लिए हम इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 9। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर टर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं क्या करता हूं एक्स को लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस का 2। ए हमारे पास कौन हो गया, एक्स हो गया। बी हमारे पास कौन हो जाएगा, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था जो भी यहां लिखा हुआ होगा 8 लिखा हुआ है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 4, इसका मतलब बी हो जाएगा 4 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखें, यहां तक की टर्म तो थी लेकिन ये 9 था जबकि हमें क्या चाहिए था 4 का स्क्वायर नहीं था, तो हमने इसको एड भी किया और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, चले मैं नीचे लिखवा देता हूं या लगा दीजिएगा एरो, मैं नीचे लिखवा देता हूं माइनस के 4 का स्क्वायर। ये आ गया और उसके बचा कौन, माइनस का 9, बेहतरीन हो गया। चले भाई, आई होप ये बात समझ में आएगी, बहुत डिटेल में बताई स्टूडेंट से पहले वाले लेक्चर में तो लाजमी देख लीजिएगा। तो यहां से अगर आप गौर फरमाएं तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। और बाकी बचा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस का 16 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 25। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया इसको स्क्वायर टर्म में तब्दील कर दिया। अब मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, तो आए जरा गौर फरमाइएगा अब क्या हो जाएगा जरा जगह, तो यहां पर देयरफॉर आई बराबर हो जाएगा किसके, इंटीग्रेशन डीएक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 4 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 9 की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 5 का होल स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब स्टूडेंट वक्त आ चुका है कि हम इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट कैसे करेंगे, बहुत आसान है स्टूडेंट। अगर आप देखें तो ये हमारी फंक्शन टर्म है, ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है, फंक्शन टर्म पॉजिटिव है कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 की जगह पर sec थीटा को पुट कर देंगे। आई होप यहां तक की बात क्लियर है एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं ना, लेट x माइनस 4 की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, a sec थीटा। a कौन है 5, तो ये हो जाएगा 5 sec थीटा। आई होप यहां तक की बात तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। अब यहां से माइनस का 4 है वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 5 sec थीटा प्लस का 4। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx by d थीटा बराबर हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec थीटा इनटू tan थीटा और प्लस का 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो यहां से हम लोग dx को कैलकुलेट कर लेंगे तो बराबर आ जाएगा 5 sec थीटा tan थीटा इनटू d थीटा। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। अब नाउ स्टूडेंट वक्त आ गया कि हम यहां पर
इसके ऊपर ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा किसके, जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, डीएक्स, डीएक्स किसके बराबर है, डीएक्स बराबर है किसके, फाइव सेक टीटा इंटू टेन टीटा इंटू डी टीटा डिवाइडेड बाय, आगे जरा गौर फरमाए, एक्स माइनस फोर किसके बराबर है, फाइव सेक टीटा के बराबर है अंडर रूट, उसके बाद एक्स माइनस फोर किसके बराबर है, फाइव sec टीटा और इस पे क्या जाएगा स्क्वायर, उसके बाद माइनस फाइव का स्क्वायर, बेहतरीन हो गया कहानी एकदम। चले भाई अब अगर आप गौर फरमाए, फाइव से ये फाइव कैंसिल हो जाएगा, sec टीटा से ये sec टीटा कैंसिल हो जाएगा। अब बहुत आसान सा काम है, इन दोनों में से अगर आप देखें स्क्वायर फाइव पे भी आएगा sec पे भी आएगा, तो हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म में से फाइव के स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा किसके, इंटीग्रेशन tan टीटा इंटू डी टीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट, फाइव के स्क्वायर को दोनों में से हमने क्या निकाल लिया कॉमन, तो इस टर्म में से बचेगा sec स्क्वायर टीटा और माइनस इस टर्म में से बचेगा हमारे पास वन। आई होप यहां तक की बात भी एकदम क्लियर हो गई। अब आपको एक बात पता होगा कि sec स्क्वायर टीटा माइनस का वन किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर टीटा के, तो यहां पे अगर आप गौर फरमाए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां पर अगर आप गौर फरमाए तो tan टीटा इंटू डी टीटा डिवाइडेड बाय, बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा, ये फाइव बाहर आ जाएगा रूट से, उसके बाद अंडर रूट sec स्क्वायर टीटा माइनस का वन किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर टीटा के, बेहतरीन हो गया। अब अगर आप गौर फरमाए स्क्वायर से ये रूट गया tan टीटा आ जाएगा बाहर, तो जरा चेक करें तो i बराबर आ जाएगा किसके, इंटीग्रेशन पहले 1 बाय 5 को बाहर कर दें तो 1 बाय 5 हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर भी tan थीटा नीचे भी tan थीटा आ गया और d थीटा आ गया, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल कैंसिल हो गया। चले भाई बेहतरीन हो गया, अब बचा 1 और 1 के ऊपर थीटा की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू 1 by 5 into theta and plus का c। अब theta की वैल्यू निकालेंगे, theta की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां से निकालेंगे, तो जरा चेक करें, हम जानते हैं x माइनस का 4 बराबर था किसके, 5 sec theta के, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू sec theta, हमें तो सिर्फ टीटा चाहिए तो sec को उधर भेज देंगे, तो टीटा बराबर हो जाएगा किसके, sec इनवर्स x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5 के, बेहतरीन हो गया। अब टीटा की वैल्यू लें और इस पे रख दें तो i बराबर हो जाएगा किसके, 1 बाय 5 इंटू टीटा की जगह पे आ जाएगा sec इनवर्स, देखें यहां पर x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस का c, बेहतरीन हो गया। यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने इस मजेदार से क्वेश्चन को भी सक्सेसफुली क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ये जो स्टेप है मैं आपको बहुत डिटेल में इससे पहले वाले लेक्चर में करवा चुका हूं, मैंने यहाँ पे फिर भी आपको बताया किस तरीके से लेना है, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 9 क्लास के अंदर बुक के अंदर ये सवाल बाकायदा मौजूद है स्टूडेंट, कि किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ना, हम यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारा काम है, हम वहां अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, आए जरा इसके अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि सर आपने इस क्वेश्चन को पहले से ही सॉल्व क्यों किया हुआ है, उसने इसकी एक ही वजह है, इसको मैंने पूरा सॉल्व करवाया, बाकायदा पूरा सॉल्व करवाया, और जब वीडियो को चेक किया तो उसमें पता चला कि साउंड में प्रॉब्लम हो गई स्टूडेंट, साउंड में बहुत शोर आ रहा था, जिस वजह से वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। अब मैंने बोला अब मैंने लिख लिया है तो मैं इसी को समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 तो मैंने आपको पूरा समझाया ना बेहतरीन तरीके से, तो कोई नई बात तो इसमें है नहीं, तो आज जरा कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहला काम यही कर रहा है कि यहाँ पे लेट करके इसको आई मान ले, आई मानने के बाद हमें याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना कि जो आप रूट में जो वैल्यू लिखी हुई होगी उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा,
उसमें आप लोगों को स्क्वायर टर्म चाहिए और यहां नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर टर्म बनाएंगे। तो इसे ले लीजिएगा, हमेशा एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे। अब यहां पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए हम इसे स्क्वायर टर्म बनाएंगे। तो यहां पे हमने लिखा इसको a का स्क्वायर माइनस 2a। अब मैंने आपको बताया था यहां 8 है, तो 8 को डिवाइड बाय 2 कर दें तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 4। इसका मतलब b हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 4। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब यहां पे b का स्क्वायर नहीं था तो हमने b के स्क्वायर को ऐड भी किया और b के स्क्वायर को सबट्रैक्ट भी किया। यहां से लेके ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के माइनस और 4 का स्क्वायर। इस माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पहले हमेशा पॉजिटिव टर्म, माइनस प्लस माइनस, फिर आती है नेगेटिव टर्म। आई होप यहां तक की बात क्लियर बेहतरीन तरीके से। अब इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे, तो आए जरा इधर, लिख दिया दोनों स्क्वायर टर्म आ गए, बेहतरीन हो गया। यहां पे अब आप देखें तो वेरिएबल टर्म नेगेटिव है, तो यहां पे हम वेरिएबल टर्म की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a sin theta। तो यहां पे क्या आ जाएगा, a कौन है, 4, तो ये आ जाएगा 4 sin theta। x माइनस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 sin theta। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब x की वैल्यू निकाल लें, माइनस का 4 है वहां जाके प्लस का 4 होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin theta का डेरिवेटिव होता है cos theta, 4 as it is रहेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, dt यहां डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और इस तरीके से हमारे पास dx की वैल्यू आ गई। नाउ अब सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, तो ये हमारा इंटीग्रल था, ये रहा 2x माइनस के 5 की जगह, 2x माइनस के 5, अभी उसको देखें, 2 अपनी जगह पर, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 4 sin theta प्लस का 4, तो ये आ गई। उसके बाद माइनस 5, ये आ गया माइनस 5, dx की जगह पर dx किसके बराबर है, 4 cos theta into d theta, तो ये आ गया 4 cos theta into d theta। उसके बाद 4 स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस x माइनस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 sin theta और इस पे स्क्वायर है, तो 4 sin theta उस पे स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दे, तो 2 4 जा 8 sin theta अपनी जगह पर, प्लस 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 2 4 जा 8 और बाकी अपना माइनस 5 अपनी जगह, 2 को उससे मल्टीप्लाई ही करवाइएगा वो अलग है। उसके बाद 4 cos theta बाहर अपनी जगह पर, इन दोनों में अगर आप देखें तो स्क्वायर जो है ये 4 पे भी आएगा, ये जो पावर 2 8 साइन पे भी आएगी, तो हम क्या करते हैं इन दोनों टर्म में से 4 स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, निकाल लिया तो इस वाली टर्म में से बचेगा 1 माइनस और इस वाली टर्म में से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 4 बाहर आ गया और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर था कॉस स्क्वायर थीटा के, ये भी बेहतरीन हो गया। ऊपर वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया और यहां देखिए 8 में से 5 गए, कितने बचे, 3, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद स्क्वायर से कॉस का रूट कैंसिल हो गया तो कॉस थीटा बाहर आ गया रूट से, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बेहतरीन बात। अब बचा कौन, सिर्फ 8 साइन थीटा प्लस का 3। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन 8 साइन थीटा पे अलग अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा और इंटीग्रेशन 3 के ऊपर अप्लाई कर दिया अलग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से, तो 8 बाहर आ गया, साइन थीटा पे इंटीग्रेशन लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 3 कांस्टेंट अब आ गया, इंटीग्रेशन 1 के ऊपर लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आई होप याद है कि बात क्लियर। आगे sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा, नेगेटिव cos थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट से क्या होता है, थीटा। आई होप याद है कि बात क्लियर। और आ गया प्लस का सी, आखिरी काम। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन था x वेरिएबल के अंदर, तो हमें थीटा को चेंज करना पड़ेगा। अब थीटा को चेंज करना, देखिए एक तो हमारे को cos थीटा की वैल्यू निकालनी होगी और एक हमारे को थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। अब आ जाए जरा सब्स्टिट्यूशन पे, आ जाए यहां पर जरा चेक करें, तो हमें पता है x माइनस का 4 बराबर था 4 sin थीटा के, तो ये आ गया। तो यहां से हमने क्या किया, sin थीटा को निकालते हैं, मल्टीप्लाई आ रहा 4, वहां जाके डिवाइड हो गया x माइनस 4 से। sin थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहां जरा ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लें, ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सके, समझ में आई बात। चलें तो ये हमारे पास थीटा आ गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो ये हमारे पास x माइनस 4 हो गया परपेंडिकुलर,
और हाइपोटेन्यूज हो गया 4। बेस कैसे निकालेंगे सर? बेस निकालना कोई मुश्किल बात है? पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां जरा देखें, परपेंडिकुलर कौन है? एक्स माइनस का 4, और उसमें क्या जाएगा? स्क्वायर प्लस बेस कौन है? बेस, सॉरी हमें यहाँ पे बेस निकालनी है, बेस निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। प्लस का परपेंडिकुलर है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का परपेंडिकुलर। तो यहाँ वैल्यूज को पुट कर दें, स्क्वायर आके रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर चेक करें तो बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट। हाइपोटेन्यूज कौन है? 4। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। माइनस परपेंडिकुलर कौन है? एक्स माइनस 4, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो यहाँ चेक करें, ये और ये सेम नहीं है बिल्कुल, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, बिल्कुल इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब हमारी बेस ये हो गई, ये आ गई। आगे देखें, अब यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा निकालने के लिए साइन को उधर भेजेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस का 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू तो आ गई, अब रह गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? कर्ली ब्राउन हेयर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास ये रही और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4। तो अब दोनों की वैल्यू आ गई, थीटा की भी आ गई और कॉस थीटा की भी आ गई। दोनों वैल्यूज को इसमें रख दें, तो यहां पर कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू प्लस 3 अपनी जगह पर, और थीटा की जगह पे कौन आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स माइनस का 4 डिवाइड बाय 4 एंड प्लस का सी। 4 वन जा 4 एंड 4 टू जा 8, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया माइनस का 2 अंडर रूट है, जो भी था देख लिया। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। आई होप ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, और बात रही करने की तो ये आपको मैक्सिमम, अगर मैं आपको बताऊं तो 10 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगने चाहिए। बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 10 मिनट भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 6 मिनट या 5 मिनट भी बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, कोई लंबा नहीं है। स्टेप भी काउंट करें तो बहुत कम है इसके अंदर, मैंने कोई ज्यादा स्टेप इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए, वो आप देख सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी मैंने कहानी नहीं करी, बोर्ड पे लिखा है इसलिए बड़ा लग रहा है, कॉपी में लिखेंगे स्टेप काउंट कर लीजिएगा, वैसे बहुत कम है। तो आज जरा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है ये प्यारा सा 17वां क्वेश्चन, तो आए जरा इसको जल्दी से करते हैं। भले यार रूट नजर नहीं आ रहा, लेकिन काम वही रहेगा स्टूडेंट। यहां पे आप लोगों को करना क्या है, बहुत आसान सा काम कर, नीचे वाले टर्म को हमेशा स्क्वायर टर्म बनाएंगे, तभी आप उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला काम इसको ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, प्यार से ले लिया। अब स्क्वायर टर्म बनाने का तरीका क्या होता है? पहले वाली टर्म को लिखो ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दें, उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है 2, या आ गया हमारे पास a, और b क्या होगा? b मैंने आपको बताया जो भी यहाँ लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास b वाली टर्म क्या आ गई 1। यहां तक की बात क्लियर? उसके बाद प्लस, अब b का स्क्वायर नहीं है ना यहाँ पर, है क्या? नहीं, 1 का स्क्वायर है यहाँ पर, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर को एड भी कर देंगे, 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और बचा कौन? प्लस का 5। अब जरा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जरा चेक करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो a कौन हो गया? x, प्लस b कौन हो गया? 1। तो ये आ गया a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर हो गया। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 दैट इज 2, सॉरी 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4, याद रखिएगा प्लस का 4 आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस का 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। नाउ अब यहां पे हम करेंगे देयरफॉर, लिहाजा अब i बराबर किसके हो जाएगा, जरा चेक करिएगा। तो यहां पर x प्लस का 3 अपनी जगह पर रहेगा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। चले भाई यहां तक की बात एकदम बेहतरीन हो गई, चले एकदम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट वक्त आ गया, अब अगर आप गौर फरमाए तो आप दोनों पॉजिटिव है,
फंक्शन टर्म भी पॉजिटिव, कॉन्स्टेंट टर्म भी पॉजिटिव, तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन टर्म की जगह, ए टेन थीटा। याद रखिएगा जब दोनों पॉजिटिव ए टेन थीटा। यहां पर हमारे पास लेट, लेट मान लेते हैं अब कि फंक्शन वाली टर्म कौन सी है, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन की जगह पर, एक्स प्लस वन की जगह पर क्या आ जाएगा, ए टेन थीटा। ए कौन है, दैट इज टू, तो यह आ जाएगा टू टेन थीटा। चले भाई यहां तक की बात क्लियर, एकदम बेहतरीन तरीके से फोकस से करिएगा यहां पर। उसके बाद प्लस का वन है, वहां जाके माइनस का वन, तो ये हो जाएगा टू टेन थीटा माइनस का वन। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास टू अपनी जगह पर, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का वन कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव जीरो। डी थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बेहतरीन हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो अब हमारे पास आई किसके बराबर हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा, जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन। चले भाई एक्स, एक्स किसके बराबर है, आई, जरा गौर फरमा ले, एक्स बराबर है टू, ऐसा करता हूं रुक जाए, इसको मैं थोड़ा कोने से स्टार्ट कर लेता हूं ताकि जगह कम ना पड़े। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो एक्स किसके बराबर है, टू टू टेन थीटा माइनस के वन के। उसके बाद प्लस का थ्री, फोकस से करिएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय। उसके बाद डीएक्स भी है ना, डीएक्स किसके बराबर है, डीएक्स किसके बराबर है, डीएक्स की जगह पे आ जाएगा टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आई होप यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से चले आगे देखिए। उसके बाद एक्स प्लस वन की जगह पे क्या आ जाएगा, टू टेन थीटा, तो ये आ जाएगा टू टेन थीटा, और इस पे स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस और टू का स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात एकदम एकदम क्लियर हो गई। अब आगे देखा, देखिए थ्री माइनस वन दैट इज फोर, सॉरी टू, दोनों में से टू कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, था गौर फरमाए, आए जरा आगे देखिए, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल इंटीग्रेशन, थ्री माइनस वन टू, और दोनों में से टू कॉमन निकालेंगे, और बाहर वाले बाहर भी टू है, तो टू टू का क्या हो जाएगा, फोर, तो यहां पे बच जाएगा फोर। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा क्या, बहुत गौर से सुनिएगा, इस वाली टर्म में से सिर्फ टेन थीटा बचेगा क्योंकि टू निकल चुका है, तो यह आ जाएगा टेन थीटा। उसके बाद थ्री माइनस वन टू था, तो यहाँ टू तो निकल चुका है, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस का वन, प्लस का वन बचेगा, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। आगे ये टू भी वहां आगे चले गया, सेक स्क्वायर थीटा बचा इधर, और इंटू डी थीटा। यहां तक की बात एकदम आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब ये जो पावर टू है टू पे भी आएगी, ये पावर टू टेन पे भी आएगी, तो इन दोनों टर्म में से हमने क्या निकाल लिया, टू के स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो यहां बचेगा कौन, इस टर्म में से बचेगा टेन टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और इस टर्म में से बचेगा प्लस, इस टर्म में से क्या बचेगा, दैट विल बी वन, क्या बचेगा, वन। आई होप यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से आई होप क्लियर। अब टू का स्क्वायर फोर ही तो होता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अब आपको पता है, आपको क्या पता है, आपको पता है वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान सा सवाल था, तो वन, अभी हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं वन प्लस का टेन थीटा इंटू इंटू सेग स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, या गया, और नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेग स्क्वायर थीटा के। हो गया ना प्यार से काम, तो अब अगर आप देखें सेग स्क्वायर थीटा से सेग स्क्वायर थीटा कैंसल, बचा कौन, वन प्लस का टेन थीटा, तो आए जरा आप इसका ले लेते हैं, इसका काम कर लेते हैं, तो यहां पर आई बराबर आ जाएगा किसके, जरा गौर फरमाइएगा, वन, वन का इंटीग्रेशन थीटा की रिस्पेक्ट से क्या होगा, थीटा ही होगा, तो यह आ जाएगा थीटा। उसके बाद प्लस, तो यह आ गया प्लस। उसके बाद जरा गौर समझिए, टेन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, एलेन सेक थीटा प्लस का सी, तो यह आ जाएगा एलेन, एलेन sec थीटा एंड प्लस का सी। आई होप यहां तक की बात क्लियर है, बेहतरीन तरीके से। अब क्या करें,
अब हम निकालेंगे sec थीटा की वैल्यू। सर कैसे निकालेंगे, टेंशन बहुत लेते हैं आप लोग, एक तो टेंशन बहुत लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको sec थीटा निकालना है तो आपको ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो आए जरा चेक करें, बहुत आसान सा काम है, मुश्किल नहीं है। ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करें तो ये आ गया हमारे पास एक ट्राइंगल, प्यारा सा ट्राइंगल। तो जरा चेक करिएगा, ये आ गया हमारे पास प्यारा सा ट्राइंगल, ये एंगल बन रहा है थीटा। क्लियर हो गई बात, ये आ गई इस ट्राइंगल की बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। आई होप यहां तक की बात क्लियर। चलो अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सवाल पे गौर करना है। आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, याद आ चेक कर, हमने क्या बोला था, हमने बोला था x प्लस का 1 बराबर होता है किसके, 2 tan थीटा के, यही बोला था, बिल्कुल यही बोला था। यहां से जरा tan थीटा को निकाले तो 2 मल्टीप्लाई आ रहा है यहाँ के, डिवाइड टू tan थीटा बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 के। और हम जानते हैं tan थीटा किन दो साइड का रेशियो होता है, टिंट प्रिंट ब्लैक, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस का रेशियो होता है। आई होप यहां तक की बात क्लियर। तो यहां से हमारे पास परपेंडिकुलर निकल के आ गया x प्लस 1 और बेस निकल के आ गया दैट इज 2। तो क्या आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन आसान काम। तो यहां जरा चेक करें, तो यहां पे हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा, तो एच बराबर आ जाएगा किसके, परपेंडिकुलर कौन है, एक्स प्लस 1, तो यह आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कौन है 2, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ये कहीं देखा आपने, हाँ आप बोलेंगे सर ये रहा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये नहीं आएगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये आएगा। इसका मतलब सिर्फ रूट के साथ, सिर्फ रूट के साथ, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या निकल के आ गई, बेस निकल के आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। चले भाई बेहतरीन हो गई कहानी आप लोगों की, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चले भाई अब यहां से हमें क्या चाहिए था, हमने ये काम क्यों किया, ताकि हम लोग sec थीटा की वैल्यू निकाल सके। पहले हम थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा निकालना है tan को उधर भेजेंगे, तो थीटा जरा चेक करिएगा, थीटा बराबर आ गया किसके, tan को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। आई होप यहां तक की बात क्लियर। और sec थीटा की बात करेंगे तो sec थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो होता है, आपको पता है cos थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, तो इसका इनवर्स कर दें तो हाइपोटेन्यूज कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस कौन होगा, sec थीटा होगा। आई होप यहां तक की बात क्लियर। चलें हाइपोटेन्यूज क्या निकल के आया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये मैंने बेस की जगह पे लिख दिया, बेस तो हमारी 2 है ना, चले भाई रुक जाए, कभी-कभी हो जाती है गलती स्टूडेंट। तो यहां पे बेस हमारी 2 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। चले भाई आगे देखें, तो यहां पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या निकल गया, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 एंड डिवाइडेड बाय बेस कितनी है, दैट इज देख लो के नजर आ रहा है। तो अब हमारे पास थीटा भी आ गया, sec थीटा भी आ गया, दोनों की वैल्यू इसमें रख दें तो i बराबर आ जाएगा किसके, i बराबर आ जाएगा थीटा, थीटा कौन है, tan इनवर्स x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। उसके बाद प्लस ln और ln किसके बराबर है, sec थीटा किसके बराबर है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 एंड डिवाइड बाय 2 एंड प्लस का c। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब आपको पता होगा ln a डिवाइडेड बाय b किसके बराबर होता है, ln a माइनस के ln b के बराबर होता है। तो जरा गौर फरमा लीजिएगा, तो i बराबर हो जाएगा किसके, पहले मैं इसको लिख देता हूं ln a, तो a क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, ये आ गया हमारे पास ln a माइनस का ln b, तो ln b कौन होगा, दैट विल बी ln और ये नीचे वाला b होता तो ये आ गया 2, और बाकी कौन है प्लस का tan इनवर्स x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2
एंड प्लस का सी। अब एल एन टू जो है ये तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है लगभग 0.693, तो ये कॉन्स्टेंट है और एक हमारा सी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट में ये ऐड होगा तो फिर कॉन्स्टेंट ही बन जाएगा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा एल एन आई इज इक्वल एल एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस का सी। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो आज की ये वीडियो स्टूडेंट में यही एंड करता हूं। तीन क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए 18, 19 एंड 20। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि पेपर से पहले कंप्लीट करूं, लेकिन ये 3-4 महीने मेरे इतने बिजी होगा स्टूडेंट कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही वीडियो बना पा रहा हूं एक हफ्ते के अंदर। आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।